मेरे प्यारे दोस्तों एवं सज्जन मित्रों, हम आपको बताने जा रहे हैं सबूत का भार क्या होता है, सबूत का भार क्या होता है तथा ये किस पर होता है। मुख्य रूप से हम आपको बताएंगे सबूत का भार होता क्या है और किस पर होता है ये, और कौन इसको साबित करने के लिए जिम्मेदार होता है कि किसने आरोप लगाया है, किस पर लगाया है, लेकिन सबूत का भार किस पर होता है, ये हम आपको संक्षेप में बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करना न भूले। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धाराएं जो होती है 101 से लेकर के 114 तक, उसमें सबूत के भार के बारे में बताया गया है। तो सबूत का भार होता क्या है और बर्डन ऑफ प्रूफ अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रचलित सिद्धांत सबूत का भार, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 से धारा 114 तक में सबूत का भार के विषय में बताया गया है। अधिनियम के अध्याय 7 में सबूत के भार के विषय में उपबंध किए गए हैं। किसी भी वाद में साक्ष्य का महत्वपूर्ण स्थान होता है, साक्ष्य के द्वारा ही वाद को निर्णित किया जाता है। सबूत के भार के विषय में विस्तृत उपबंध इस प्रकार है। बने रहे हमारे साथ, बढ़ते आगे। सबूत का भार सेक्शन 101, सबूत का भार 101 में परिभाषा दी गई। इस परिभाषा के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य को साबित करने के लिए आबाध या बाध्य हो, तब ये कहा जाता है कि उस व्यक्ति पर सबूत का भार है। धारा 101 के अनुसार किसी वाद में जो पक्षकार ये चाहता है कि न्यायालय किसी विधिक अधिकार या दायित्व के विषय में उसके द्वारा दिए गए तथ्यों के आधार पर निर्णय दे, तो यह उसका ही दायित्व होगा कि मैं उन तथ्यों की सत्यता सिद्ध करें। ये यदि एक व्यक्ति ये चाहता है कि खै को हत्या के अपराध के लिए सजा दी जाए, तो यह सिद्ध करने का भार कि खै ने हत्या की है कै पर ही होगा। जो आरोप लगाएगा और मामला जो बताएगा उसी पे सबूत का भार होगा और वही सिद्ध करेगा। सबूत का भार किस पर होता है? धारा 102 के अनुसार किसी भी वाद में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो वाद में असफल हो जाएगा यदि दोनों पक्षकारों में से किसी के द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत न किया जाए। इस प्रकार धारा 102 उस अवस्था को बताती है जब वादी द्वारा वाद को धारा 101 के अंतर्गत स्थापित करने के बाद साक्ष्य देने का भार पक्षकारों पर आवश्यकता अनुसार बदलता रहता है। स्टेट ऑफ HP बनाम श्रीकांत सहकारी के वाद में न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि बलात्कार के मामले में सहमति सिद्ध करने का भार अभियुक्त पर होगा, क्योंकि यदि वह सहमति सिद्ध नहीं कर पाता तो दोषी होगा। विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार, धारा 103 से संबंधित किसी विशिष्ट तथ्य को सिद्ध करने के बाद भार के बारे में प्रावधान करती है। धारा 103 के अनुसार किसी विशिष्ट तथ्य को सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो न्यायालय से चाहता है कि वे उस विशिष्ट तथ्य के अस्तित्व में विश्वास करें। इसी तरह से सेक्शन 104 ऐसे तथ्य को साबित करने के भार के बारे में बताया गया है जिसका साबित किया जाना किसी व्यक्ति को किसी अन्य तथ्य का साक्ष्य देने को समर्थ करने के लिए आवश्यक है, उस व्यक्ति पर है जो ऐसा चाहता है या देना चाहता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, ए बे द्वारा किए गए मृत्युकालीन कथन को सिद्ध करना चाहता है, तो पहले ए को बे की मृत्यु सिद्ध करनी होगी। ये साबित करने का भार कि अभियुक्त का मामला अपवादों के अंतर्गत आता है। सेक्शन 105 जब कोई व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त है, तब उन परिस्थितियों के अस्तित्व को सिद्ध करने का भार जो उस मामले को भारतीय दंड संहिता की धारा भारतीय दंड संहिता के या अन्य किसी विधि के अंतर्गत किसी विशेष अपवाद या परंतु के अंतर्गत कर देता है, उस व्यक्ति पर होगा। एग्जाम्पल, क्या हत्या के मामले अभियुक्त है, वह यह कहता है कि वह पागल या उन्मत्त होने के कारण उस कार्य की प्रकृति को नहीं समझता था, तो स्थिति को सिद्ध करने का भार कह पर ही होगा। धारा 101 से 104 तक के उपबंध दांडिक और फौजदारी दोनों मामलों पर लागू होते हैं, जबकि धारा 105 के उपबंध केवल दांडिक कार्रवाई पर लागू होते हैं। सबूत का भार के नियम के अपवाद क्या क्या हैं? धारा 101 में प्रतिभा सामान्य नियम में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो किसी तथ्य का प्राख्यान करता है और उस आधार पर न्यायालय से निर्णय की विनती करता है कि निम्नलिखित अपवाद है।
सिद्ध करने का भार होगा। जब पहला जब कोई तथ्य विशेषता किसी व्यक्ति को ज्ञान में हो तब उस तथ्य को साबित करने का भार धारा 106 के अनुसार उस पर है। जहाँ पर विधि की उपधारणा उस व्यक्ति के पक्ष में है जो का प्रतिपादन करता है वहाँ सबूत का भार दूसरे पक्ष पर होता है। तथ्य की उपधारणा के संबंध में ये नियम है कि व्यक्ति द्वारा किसी तथ्य का प्रख्यान करने या अभिकथन के भाग को सिद्ध करने के लिए अपेक्षित नहीं होगा जितने के विषय में विधि की उपधारणा उसके हक में है। ये सभी उपबंध 107 से लेकर 114 में आते हैं। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका प्यार हमें कमेंट बॉक्स में मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।